वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं कि आज मैं हिंदी का पहला टॉपिक, पहला नहीं मेरा एक तीसरा है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैं हिंदी में आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास का दो लेक्चर दे चुके हैं, ठीक है। ये तीसरा लेक्चर है वर्णमाला का, ठीक है ना, जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए और इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आपका बीएड का एग्ज़ाम लाइनअप है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो भी आप फॉर्म डालेंगे या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म डालेंगे तो हिंदी कंपलसरी होता है, तो उसमें बहुत सारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, वर्णमाला से रिलेटेड। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए वर्णमाला क्या लिखा हुआ है, वर्णमाला, ध्यान दीजिए, वर्ण माला, दो चीज़ को तोड़ दीजिए, वर्ण और माला। तो वर्ण मीन्स क्या हुआ, अक्षर, क्या हुआ, अक्षर। माला मीन्स आप जानते हैं पहनने वाला, ठीक है, जिसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कह सकते हैं, वर्णमाला कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ध्यान से आप देख लीजिएगा, ठीक है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, माला कहते हैं, ठीक है ना, व्यवस्थित समूह को, ध्यान दीजिए बात को, ये वर्ड आया व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा वर्ण, ठीक है, वर्ण यहाँ पे एक ऑप्शन है, वर्ण यहाँ ध्यान दीजिए, वर्ण यहाँ दीजिए, तो वर्ण मीन्स क्या होता है, अक्षर, अक्षर जिसे तोड़ा ना जा सके, तोड़ा ना जा सके, वही हमारा क्या है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। जो हमारे वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनिएगा, वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। आई होप आपने ये पहले पता नहीं सुना है कि नहीं, लेकिन आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, मौखिक, ठीक है, और एक दूसरा होता है लिखित, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मौखिक, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लिखित। लेकिन हम मौखिक को वर्ण नहीं कह सकते हैं, ठीक है, जो मौखिक होता है उसे हम वर्ण नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने सुना होगा एक बच्चा जब होता है छोटा, ठीक है, उसे भले ही कुछ लिखना ना आता है लेकिन वो बोलना तो जानता है, पापा मम्मी यानी जो भी नाम हो आसानी से वो बोल लेता है, ठीक है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा वो जो वर्ण का प्रयोग तो कर रहा है, मतलब मामा तो मो आ रहा है, ठीक है, मामा आ का मात्रा भी लग रहा है उसमें, मामा यानी कुछ भी बोल रहा है, तो वर्ण का प्रयोग कर रहा है लेकिन उसे वर्ण का ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, उसे सिर्फ क्या है, ध्वनि का ज्ञान है। तो ध्वनि, तो हमारा जो वो यूज करता है वाक्य वो हमारा क्या कहलाएगा, ध्वनि कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ध्वनि, ठीक है ना। चलिए ऐसे जो हम लिखते हैं, जैसे राम घर जाता है एक सेंटेंस लिखे ना, तो हमारा क्या हो जाता है, वो वर्ण का प्रयोग करते तो वर्ण हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वर्ण के प्रकार, इसके प्रकार, प्रकार तो ये कितने प्रकार का होता है, दो होता है, कौन कौन सा, पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन, ध्यान समझिएगा, स्वर और व्यंजन। अब ये देखिए स्वर व्यंजन, ठीक, अब स्वर क्या होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको बताने के लिए, ऊपर ऊपर ही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए स्वर, ठीक है, तो स्वर हमारे क्या होता है, ओ आ, ठीक है, छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है ना, री ए ए ओ औ अंग अह, कौन कौन से होते हैं, अ आ
ई बड़ी उ बड़ा उ री ए ए ओ औ अंग अह। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर पूछता है, पूछता है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितना है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितना है, तो आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं 13। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या कितना है, 13। बात समझिएगा, कितने हैं 13। हाँ तो कुल स्वरों की संख्या कितना हम बताएंगे, 13। लेकिन 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 एग्जाम में अगर यहाँ पर लिख दे रहे हैं कुल 13 पूछ दे हिंदी में हमारे या वर्णमाला में मूलतः स्वरों की संख्या कितना होता है, यानी मूलतः ये ऑप्शन लगा दे मूलतः, तो आप कभी भी 13 मत दीजिएगा, कितना आंसर देंगे 11। कितने होते हैं 11, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये जितने होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, ठीक है। और जो ये दोनों मिलाकर हमारे कुल स्वर हो जाएंगे, बात समझिए बात को, कुल स्वर, ठीक है। इन दोनों को हम स्वर में भी गिनती करते हैं और व्यंजन में भी गिनती करते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो हमारा ये है इसको हम एक और नाम जानते हैं, आयोग वाह। क्या नाम जानते हैं, आयोग वाह। ये बात ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अंग और अह को किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आयोग वाह। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से पहचान कीजिए आयोग वाह कौन है, और ये किस कोई भी व्यंजन या कोई भी स्वर दे देगा, उसमें से आपको एक आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और अंग और अह को एक नाम से और जाना जाता है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, अंग और अह को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जो अंग होता है ये, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। और जो ये अह है इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। लेकिन 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 एक चीज और कभी भी ध्यान दीजिए, ऐसे अगर आ जाए कहीं ऐसे, इसको हम कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक। चलिए यहां तक आपको समझ आ गया होगा, एक बार इसको रिपीट मार देते हैं, ध्यान समझ लिए जल्दी से। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण मीन्स होता है अक्षर, अक्षर वो होते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। मौखिक को हम ध्वनि कहते हैं, जो एक बच्चा बोलता है लेकिन लिखना नहीं जानता, और जो लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकार दो होते हैं, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है ना। अभी इधर हम आए प्रकार लिखे हैं, स्वर, स्वर देखिए, स्वर उसे कहते हैं जो बिना किसी के सहायता के बोला जा सके, उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। तो अ आ ई ई बड़ा उ छोटा उ बड़ा उ री ए ऐ ओ औ अं अह, ये होते हैं स्वर। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देता है हमारे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे 13। अगर एग्जामिनर ये पूछ देता है कि हमारे हिंदी में मूलतः स्वरों की संख्या कितना है, तो 11। अंग और अह को किस नाम से जाना जाता है, तो आयोगवा। केवल अंग को अनुस्वार, केवल अह को विसर्ग, और अंग पे जो है ये चंद्र बिंदी लग जाए तो अनुनासिक। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया, इससे आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से पूछ लेता है। आप अच्छे से पढ़िएगा, इसे समझिएगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हम जो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। चलिए आगे अब बताते हैं आपको, ठीक है। अब बताते हैं आपको स्वर के प्रकार, क्या बताते हैं, स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, ठीक है, पूछता है स्वर के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान समझिएगा, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर के हमारे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, बात समझिएगा, ठीक है। पहला होता है, पहला पेन चेंज कर दो, ह्रस्व स्वर, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा दीर्घ स्वर, और जो तीसरा होता है वो होता है लुप्त स्वर। क्या होता है, लुप्त स्वर। अब देखिए ये हमारे स्वर के प्रकार हैं, जो कितने होते हैं, 3 होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर होता क्या है, ये बात ध्यान समझिएगा। ह्रस्व स्वर क्या होता है, ऐसे स्वर, समझिए बात को, जिसे बोलने में क्या होता है, कम समय लगे। क्या, कम समय लगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर,
ठीक है ना। अब दीर्घ स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिससे बोलने में दुगना समय लगे। कितना समय? दुगना समय लगे। ये क्या होगा? दीर्घ स्वर होगा। अब आया लुप्त स्वर, ऐसा स्वर जिसे बोलने में तिगुना समय लगे। तिगुना समय लगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? लुप्त स्वर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर तो एग्जाम्पल भी तो पूछ देता है, तो हम कम समय लगने वाले के एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो कम समय लगता है वो होता है ई छोटा उ, ठीक है ना, री, ये सब हमारे क्या है? ये हास्य स्वर के एग्जाम्पल है। इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अब दीर्घ का बता देते हैं। आ, ठीक है, फिर से क्या होता है? बड़ा उ, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक। ए भी हो जाता है, ए भी हो जाता है, ठीक है, ये सब क्या है हमारे? ओ भी हो जाएगा, ठीक है, ओ भी हो जाएगा, ये सब हमारे दीर्घ स्वर है, ठीक है, ये चीज याद रहे, क्योंकि इसे बोलने में दुगना समय लगता है। देखिए ये बोले ओ, इ, उ, री, कम समय लगा तो ये हमारा हर्ष स्वर हो गया, दुगना समय इसमें लग रहा आ उ ए ए ओ औ, तो ये हमारा क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया, ठीक। अब लुप्त स्वर क्या होता है? ये अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे ओम हम लिखते थे ना, ओ ऐसे बना के लिख देते थे ना, इसे बोले बोले ओम, यानी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो हमारा क्या होता था? तिगुना समय लगता था, इसलिए इसको क्या कह दिया गया हमें? कह दिया हमने इसे, इसे लुप्त स्वर कह दिया, कि जो अब हिंदी से क्या हुआ है? हट गया है, ठीक है। अब चलिए कुछ और चीज़ समझाते हैं आपको, ठीक है। जो हमारे स्वर जो ये आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पे जो स्वर पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, इसमें जो हास्य स्वर होता है, ठीक है, इसके कुछ प्रकार होते हैं, उसको आज मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें आपको समझ आ जाएगा दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर का प्रकार समझा रहे हैं आपको, ध्यान से आप समझिएगा। जैसे आपको हास्य दीर्घ लुप्त बताए हैं, ठीक है, तो उसी में से एक स्वर होता है, ठीक है ना, दीर्घ स्वर, ठीक है, इसके भी कुछ प्रकार हैं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और एक होता है, ठीक है, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। चलिए इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, मूल दीर्घ स्वर क्या होता है और संयुक्त स्वर क्या होता है, ठीक है। आ बड़ी बड़ा उ, ये सब हमारे मूल है, क्या है? मूल दीर्घ स्वर है, बस समझिए ध्यान से। और ए ए ओ आओ, ये हमारे क्या है? संयुक्त स्वर है। अब समझिए ऐसा क्यों है, ठीक है, ये जो मूल है ये क्या है? सिंपल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना, और जो ये संयुक्त मीन्स क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ कर बनना, ठीक है ना। तो ए को अगर हम संयुक्त अगर तोड़े तो क्या निकलेगा? ध्यान समझिएगा बात को, ए को अगर हम तोड़े तो क्या निकलेगा? ओ आ निकल रहा है, ठीक है, या छोटाई या बड़ी, इन दोनों से मिलाकर क्या बना हुआ है? ए बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ही ऐ देख लीजिए, ठीक है ना, ओ
ठीक है, ध्यान समझिएगा, आ प्लस ए मिलाकर क्या बना हुआ, आ प्लस ए मिलकर भी ए बन जाएगा और प्लस ए मिलकर भी ए बन जाएगा। ठीक, अगला देख लीजिए, ओके कैसे बनता है। ठीक है, और या आ हमारा ये कॉमन होता है, ये याद रहा है, ठीक है ना, ये हमारा कॉमन होता है। ठीक, उ या बड़ा उ, ध्यान समझिएगा, उ या बड़ा उ, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, हमारा ओ बनता है। अब बच गया ये वाला, ये भी देख लीजिए, ठीक है, और कैसे बनता है। ठीक है, तो ओ हो या आ हो, उसमें अगर हमारा ओ मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, आओ। ठीक है, आयो, आज तक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ आ गया हो, ठीक है, तो वर्णमाला के दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको मैं व्यंजन बताऊँगा, व्यंजनों का प्रकार बताऊँगा और वर्णों का उच्चारण स्थान, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइयो, आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरे दूसरे वीडियो आने का वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।